देखिए SMK महिला कॉलेज के सामने है और अभी जाम लग चुका है क्योंकि देख रहे होंगे गुमटी ट्रेन पार कर रही है तो रेलवे गुमटी अभी बंद है। तो हम लोग इधर से फिर से लेफ्ट जाएंगे, फिर मेन रोड में जाएंगे, फिर वहां से राइट लेके मेन मार्केट में जाएंगे। यहां से सामने पुल की तरफ से कोई उपाय नहीं है। देखिए अभी जाम लगा हुआ है, बाइक घूम जा रहा है, स्कूटी लेके खड़ा है, कोई बाइक लेके खड़ा है। हम लोग को भी लग रहा है साइड से घुसना होगा, सब घुस रहा है, कोशिश करते हैं। रक्षाबंधन के लेके कुछ ज्यादा भीड़ है अभी यहाँ पर। अभी हम आ गए हैं पुनपुन घाट और देख सकते हैं पीछे हमारा वही पुनपुन नदी है और पीछे जो देख रहे हैं पूरा क्लियर दिख रहा होगा आपको, वो गया पटना आपका रेलवे लाइन है जो गया से पटना को कनेक्ट करती है। और ये पीछे देख रहे हैं धर्मशाला है, ऊपर में यहाँ शादी विवाह भी होता है और साथ ही साथ यहाँ जब पिंडदान या पितृपक्ष का जब मेला चलता है उसमें पिंडदान का बड़ी ज़बरदस्त मेला लगता है, लोग अपना पूर्वजों का यहाँ पिंडदान करने के लिए भी आता है। उसमें भी नदी में पानी रहता है, अभी बहुत कम पानी है क्योंकि इस साल अच्छा बरसात बिहार में हुआ नहीं है ना, तो समझिए भाई कि पानी यहाँ नहीं रहता है एकदम, जितना आ सकते आखिरी सीढ़ी और मंदिर देख रहे हैं वहाँ तक पानी चला जाता है। और जो रेलवे ब्रिज है वो समझिए एकदम एक इंच भी कभी कभी नहीं बचता, पूरा का पूरा पानी एकदम रेलवे ब्रिज से टकराता है, कभी कभी ट्रेन भी कैंसिल कर देना पड़ता है जब इस नदी में पानी आता है। तो अभी तो खैर नदी का हालत ख़राब है, पानी नहीं है, थोड़ा बहुत पानी है। तो चलिए अब आपको मार्केट घुमाते हैं, थोड़ा बहुत बाहर वाला मार्केट घुमाया है, बाकी अभी जाते समय आपको अंदर वाला मार्केट दिखाएंगे। और यहीं बगल में एक पार्क भी है और रेलवे स्टेशन के उस तरफ छोटा सा पार्क है, शाम को लोकल आदमी के लिए आके बैठ के घूमना या शाम को जॉगिंग के लिए जाना या सुबह जाना, एक पार्क बनाया हुआ है। और यहाँ तो दोस्तों अभी हम लोग देखिए राम गोविंद सिंह पार्क पुनपुन पटना, यही पार्क है देखिए, अंदर में आप शाम को या सुबह कभी भी जा सकते हैं। इसका टिकट चार्ज टिकट खिड़की पे लिखा हुआ है, 10 रुपये आपको टिकट लेगा, पता है कितना घंटा का है ये नहीं लिखा हुआ है। 3 वर्ष ऊपर के लिए सभी बच्चों को टिकट लेना अनिवार्य है। खुलने का समय सुबह 7 बजे लेकर 7 बजे तक बंद रहता है। और ये देखिए सामने आपको पुनपुन हॉल्ट स्टेशन है और इधर मार्केट है, इधर ये पुल जो नीचे से भी दिखाया था वही पुल है और डबल लाइन रेलवे गया पटना रेलवे लाइन का, यही पुनपुन का मेन मार्केट में हम लोग इंटर किए हैं अभी। और
यहाँ से चलते चलेंगे तो मुझे पूरा का पूरा मार्केट ही मिलेगा। ज़्यादा दूर में मार्केट नहीं है लेकिन बहुत भीड़ भाड़ वाला मार्केट है, बहुत भीड़ रहता है क्योंकि आबादी बहुत घना हो जाता है। आसपास का जो इलाका है बड़ा दूर दूर से आदमी मार्केट करने आता है, और आज राखी पर्व है जिसके वजह से आज समझिए कि आदमी शाम को थोड़ा कम दिख रहा, नहीं तो और ज़्यादा ही भीड़ रहती है। स्टेशन वाला रास्ता है, राखी खरीदारी का भीड़ बड़ी जबरदस्त है। लोकल मार्केट की वजह से भीड़ ज्यादा हो जा रहा है। लोकल मार्केट में बाइक चलाना बड़ा मुश्किल काम है। चलिए आज कहते हैं आपको मोटर ब्लॉग, उसकी वजह से बाइक अंदर से गए हैं, बड़ी मुश्किल से बाइक चलता है इस रोड में। शाम का वक्त में ऐसे भी आदमी मार्केट के लिए ज़्यादा निकलता है, और पर्व त्यौहार का भी सीजन है तो और ज़्यादा आदमी आता है, उसके वजह से भीड़ काफ़ी ज़्यादा लग जाता है। थोड़ा दूर अभी और जाम रहेगा, उसके बाद धीरे धीरे जाम खत्म। इधर देखिए बाकी सब्जी मंडी इधर है, सब्जी वब्जी आपको मिलेगा। आदमी देखने के बाद समझ जा रहा है कि रिकॉर्ड हो जा रहा है, या तो कोई चेहरा छिपा रहा है या कोई भागना चाह रहा है। जितना दूर मार्केट है उतना दूर समझिए भीड़ ही होगा। पुराना मार्केट है, रोड अभी भी वही का वही है, आबादी धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है तो क्या होगा, जाम का समस्या धीरे धीरे कम होने के बजाय और जाम बढ़ता चला जा रहा है। ये पुनपुन का लगभग डेली का काम है, डेली इस मार्केट में इसी तरह से भीड़ लगती है। ग्रामीण एरिया से बहुत सारा आदमी आता है, ग्रामीण मार्केट ही इसको बोल सकते हैं, शहरी मार्केट में ग्रामीण मार्केट में। अब यहाँ देखिए तीन मुहानी है, ये तो सामने वाला रोड आपको मेन रोड में चला जाएगा, और ये आपको पुराना पुनपुन रौली चक की तरफ जाती है ये रास्ता, इसी में हम लोग घूम रहे हैं। देखिए मिठाई उठाई की दुकान पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है राखी त्यौहार की वजह से। देखिए आगे ये हाल है मार्केट का, देख सकते हैं त्यौहार की वजह से कितना भीड़ था। इधर अब खाली मिलेगी क्योंकि ये मार्केट का धीरे धीरे आखिरी छोर होते जाएगा। यहीं पे बगल में एक ATM भी है, ICICI ATM, और एक PNB और SBI का भी ATM है यहाँ। तो मार्केट जो है सुविधा से लैस है, सारा चीज़ आपको यहाँ भी मिलता है, जो पुनपुन का निवासी है, जो अगल बगल का पुनपुन बसुहार है, कहीं भी पुठी उठी या इधर जितना कारनपुर तंदा जितना भी है सब अगल बगल का गांव सब के सब यहीं मार्केट करने के लिए आता है। फिर भीड़ काफ़ी ज़्यादा हो जाता है धीरे धीरे, कुछ दिन के बाद ये सब में भी भीड़ रहने लगेगा, क्योंकि मार्केट का तो एक्सटेंशन होना तय है, कभी ना कभी तो मार्केट एक्सटेंड करेगा ही, और धीरे धीरे कर भी रहा है। देखिए इधर भी दुकानें खुलने लगी है, अभी मार्केट हम लोग बिल्कुल बाहर निकल चुके हैं। बाहर निकलने के साथ थोड़ा सा हल्का मिला है,
पहले बिल्कुल खाली रहता था, एक भी कुछ था नहीं, इधर भी खाली खाली पहले मिलता, लेकिन अब देखिए सारा का सारा घर बन चुका है, घर द्वार बनते जा रहा है। गैप जो है पुनपुन और पुनपुन घाट के बीच का वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, कम क्या समझिए अब खत्म ही हो गया, बीच में अब कहीं भी खाली जगह नहीं बच रहा है कि जहाँ घर और बन ये इधर चकाचक घर द्वार बन गया है, शोरूम बन गया है। अभी हम लोग एकदम पुराना वाला पुनपुन आ गया, मतलब अदौली चक नाम से भी जाना जाता है। यहाँ उतना यहाँ मार्केट वार्केट नहीं है, मार्केट है जो भी है आपको घाट मार्केट में ही आपको दिखाया है। यहाँ धीरे धीरे यहाँ भी मार्केट वार्केट लगने लगे, पुराने वाला तीन मतलब लगे रहे, पहले तो दुकान भी दो तीन था, धीरे धीरे सारा चीज़ का दुकान यहाँ भी खुल गया। पुनपुन घाट और पुनपुन स्टेशन के बीच का जो दूरी है वो बहुत ज़्यादा है नहीं, एक किलोमीटर भी नहीं, एक किलोमीटर से भी कम है। यही देखो यही रेलवे स्टेशन है बाहर से आपको पुनपुन रेलवे स्टेशन यही दिखता है, देखिए पुनपुन। ये सामने हम लोग सीधे निकल जाएंगे अजय चौक पुनपुन मार्केट का मोटो ब्लॉग हो गया खत्म। तो गाइस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या आप इस इलाके से बिलोंग करते हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना नहीं भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को भी दबाइएगा और फेसबुक और इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।